हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो गाइस आज तारीख हो चुकी है 29 जून 2023, और हर रोज की तरह हमारे सामने आज भी आईपीएल 2024 को लेकर, इसके साथ ही आईपीएल के सभी 10 की 10 फ्रेंचाइज के रिगार्डिंग, एशिया कप और वर्ल्ड कप को लेकर भी दिन भर की जितनी भी बड़ी और इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आई है उन सभी को लेकर हम आपके सामने आ चुके हैं। तो वीडियो हमेशा की तरह काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, और आप लोगों को इस वीडियो को देखना है बिल्कुल लास्ट तक। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, अगर आप लोग हमारे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाइए, जिससे हमारी वीडियोस की अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो गाइस बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे आज के दिन की। सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है कंट्रोवर्सी, जो कि हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिल रही है। युजवेंद्र चहल और उनकी जो वाइफ है धनश्री, आप सभी लोग जानते ही हैं कि उनके और श्रेयस अय्यर के बीच में अक्सर ही काफी ज्यादा लिंकअप्स के रूमर आते रहते हैं, और अब ऐसा ही हमें रिसेंटली भी देखने को मिला, जहां पर श्रेयस अय्यर और उनके साथ ही इनकी जो वाइफ है वो हमें ऑलमोस्ट सेम लोकेशंस को लगातार पिछले 2-3 दिन से पोस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। और आपको तो बताइए कि सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई भी चीज़ वायरल होती है तो काफ़ी जल्दी फैलती है, तो ऐसे में फैंस ने इस चीज़ को नोटिस कर लिया कि ये दोनों एक ही होटल के एक ही रूम में हमें और उसके साथ ही एक ही बालकनी में देखने को मिल रहे थे। तो उसके बाद काफ़ी ज़्यादा मीम्स वगैरह इसके ऊपर बनने स्टार्ट हो चुके हैं, और हमने इस चीज़ को वेरीफाई भी करके देख लिया है कि इनकी जो लोकेशन है वो बिल्कुल सेम है। अब हालांकि ये एक साथ क्या कर रहे थे और उस लोकेशन इनकी बिल्कुल सेम हमें कैसे देखने को मिली वही एक ही दिन, इसका आंसर तो यही दो कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ बिल्कुल 100% सही थी। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है पाकिस्तानी प्लेयर्स के आईपीएल खेलने को लेकर, जहां पर पीसीबी के नए चेयरमैन ने अब बीसीसीआई से रिक्वेस्ट की है कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस साल में हमें एशिया कप और वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच में भर भर के मुकाबले देखने को मिलने वाले हैं, और भारत पाकिस्तान के प्लेयर्स जब भी आपस में खेलते हैं तो उस पर काफ़ी ज़्यादा रिवेन्यू जनरेट होता है, काफ़ी ज़्यादा लोग पागल हो जाते हैं। तो ऐसे में अगर ये एक साथ एक ही टीम में खेलें तो उससे क्रिकेट की पॉपुलैरिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ सकती है। तो ऐसे में इन्होंने ऑफर किया है कि साल 2024 से अगर बीसीसीआई चाहे तो फिर वो पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल खेलने के लिए इनवाइट कर सकता है, और पाकिस्तान के प्लेयर्स अगर आईपीएल में आते हैं तो इससे आईपीएल की पॉपुलैरिटी बढ़ाने में काफी ज्यादा हेल्प होगी। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप लोग बताना कि आप लोग इनके स्टेटमेंट से अग्री करते हैं, और क्या आप लोगों के हिसाब से पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल में खेलने का मौका दिया जाना चाहिए या फिर नहीं। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है आंद्रे रसेल की साइड से। दरअसल आंद्रे रसेल और कोलकाता नाइट राइडर्स के मैनेजमेंट के बीच में अक्सर ही हमें ऐसी न्यूज सुनने को मिलती है कि आंद्रे रसेल और मैनेजमेंट जो है वो बिल्कुल भी खुश आपस में नहीं रहते हैं, और ऐसे ही रूमर्स हमें फिर से देखने को मिल रहे हैं, जहां पर रिपोर्टेडली आंद्रे रसेल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ बिल्कुल भी खुश नहीं है। दरअसल रसेल अपनी परफॉर्मेंस से तो वैसे भी खुश नहीं है, लेकिन इसके साथ ही रसेल का यह भी मानना है कि कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम जो है वो उनकी पोजीशंस में काफ़ी ज़्यादा छेड़खानी करती है, यानी कि आंद्रे रसेल किसी और पोजीशन पर बल्लेबाजी करना चाहते हैं जहां पर उनको लगता है कि वो केकेआर की टीम के लिए बहुत ही ज़्यादा मुकाबले जीत सकते हैं, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम इनको कभी नंबर 4 पर भेज देती है, कभी इनको नंबर 7 तक भी नहीं भेजा जाता है। तो ऐसे में आंद्रे रसेल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के साथ तो जुड़े रहना चाहते हैं, लेकिन वो इनके मैनेजमेंट से काफ़ी ज़्यादा निराश हैं, जिसके चलते हो सकता है कि इस साल के आईपीएल से पहले आंद्रे रसेल कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम को छोड़ दें। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये काफ़ी ज़्यादा इमोशनल जेस्चर हमें ऋषभ पंत की साइड से देखने को मिला है, जहां पर हम सभी लोग जानते हैं कि 5 जनवरी वो तारीख थी 2023 की, जब ऋषभ पंत का काफ़ी ज़्यादा अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट हमें देखने को मिला था, और उस इंसिडेंट के बाद सभी लोगों ने काफ़ी ज़्यादा राहत की सांस ली थी, क्योंकि उसके जो एक्सीडेंट की पिक्चर थी उसको देखकर सच में ऐसा लगा था कि ऋषभ पंत को सेकेंड चांस दिया गया है लाइफ के द्वारा। और ऋषभ पंत ने भी इसी चीज़ को अब अपनी सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट किया, जहां पर ऋषभ ने, अगर आप लोग उनकी इंस्टाग्राम की बायो जाकर चेक करेंगे तो वहां पर उन्होंने अपनी बायो में मेंशन कर दिया है कि उनकी सेकेंड डेट ऑफ बर्थ है 5 जनवरी 2023। यानी कि जिस तरीके से किसी इंसान को दोबारा से अपनी ज़िंदगी को स्टार्ट करने का मौका मिलता है, कुछ इसी तरीके की चीज़ हमने ऋषभ के साथ भी देखी थी, जहां पर ऐसे सिचुएशन से बाहर आने के बाद कोई भी प्लेयर अगर खेलना स्टार्ट करता है तो ऑब्वियसली बात है उस प्लेयर के दिमाग में भी यही बात चलती होगी कि ये उनकी सेकेंड जिंदगी है, जिंदगी ने उनको दोबारा चांस दिया है। तो ऐसे में हम भी यही उम्मीद करते हैं कि ऋषभ इस चीज़ को अब और भी ज़्यादा काउंट करेंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम की साइड से, जहां पर आरसीबी की टीम अक्सर ही हमें आईपीएल में अपने डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए नजर आती है। दरअसल आरसीबी के ऑलरेडी जो काफ़ी सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं, जैसे कि केएल राहुल, उनके साथ ही मयंक अग्रवाल, और उनके साथ ही इवन जो बाकी के भी टैलेंटेड प्लेयर्स हैं जो कि डोमेस्टिक में बेंगलोर की साइड से खेलते हैं, उनको आरसीबी की टीम आईपीएल में ज़्यादा मौके नहीं देती है। और ऐसे में अभी रिसेंटली माइक हैसन ने भी इस चीज़ को एक्नॉलेज किया है कि आरसीबी की टीम अपने ही स्टेट के जो टैलेंट पूल है उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पा रही है। माइक हैसन ने कहा कि अगर आप लोग बाकी सक्सेसफुल टीमों को देखें तो फिर वो अपने डोमेस्टिक सर्किट के प्लेयर्स को काफ़ी अच्छे तरीके से यूटिलाइज करती हैं, ना सिर्फ डोमेस्टिक सर्किट बल्कि मुंबई इंडियंस जैसी जो टीमें हैं वो तो अपने स्काउट्स को बाकी दूसरे स्टेट्स में भी भेजती हैं, जैसे कि तिलक वर्मा को इन्होंने हैदराबाद से ढूंढ के निकाला था। तो ऐसे में इनके हिसाब से अब आरसीबी
एकेडमी की टीम को भी, जो कर्नाटका के लोकल प्लेयर्स हैं उनको भी ट्रस्ट करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि कर्नाटका के जो लोकल सर्किट है वहाँ पर काफ़ी सारे प्लेयर्स बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो ऐसे में अगर उनको आरसीबी की टीम बैक करती है तो उनके अंदर वो फीलिंग अपने अंदर से भी निकल कर आएगी कि वो अपने ही होम स्टेट वाली आईपीएल फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं। तो ऐसे में इनके हिसाब से आरसीबी की टीम अब ऐसे प्लेयर्स को और भी ज़्यादा बैक करने वाली है। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारी आज के दिन की अगली अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है पैट कमिंस की साइड से, जहाँ पर लास्ट ईयर के आईपीएल को स्किप करने के बाद अब पैट कमिंस आईपीएल 2024 में अपना रिटर्न आपको करते हुए नजर आएंगे। और क्योंकि इस साल हमें मिनी ऑक्शन देखने को मिलने वाला है, तो पैट कमिंस ऐसे कुछ प्लेयर्स की श्रेणी में हमें देखने को मिलेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइस में बिकने वाले हैं। तो ऐसे में अपनी ऑलराउंड एबिलिटीज़ की वजह से अभी तक ऑलरेडी दो ऐसी टीमों का नाम हमें देखने को मिल रहा है जो कि पैट कमिंस को लेने में इंटरेस्टेड है। रिपोर्टेडली मुंबई इंडियंस और उनके साथ ही चेन्नई सुपर किंग्स, ये दोनों ही टीमें पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल करना चाहती हैं, जहां पर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम बेन स्टोक्स को क्योंकि अपने प्लेइंग कॉम्बिनेशन में यूज़ नहीं कर पा रही थी, तो ऐसे में ये टीम इस साल बेन स्टोक्स को रिलीज़ करने वाली है उनके प्राइस टैग को देखते हुए, क्योंकि उनके बिना ही सीएसके ने आईपीएल का टाइटल जीत लिया था। तो ऐसे में ये टीम उनके बदले पैट कमिंस को अपनी टीम में शामिल करने वाली है। तो वहीं मुंबई इंडियंस की टीम भी अब जोफ्रा आर्चर और उनके साथ ही इनकी टीम के जो फास्ट बॉलर थे क्रिस जॉर्डन, उनको अपनी टीम से रिलीज़ कर देगी। तो ऐसे में मुंबई इंडियंस के पास भी अच्छा खासा बैलेंस पर्स आ जाएगा, और ये भी पैट कमिंस के ऊपर चाहे कितने भी करोड़ की बिडिंग हो वो आसानी से उस बिड को आउटबिड कर पाएंगे। फिलहाल हम चलते हैं हमारे आज के दिन की अगली अपडेट जो कि निकल कर आ रही है आने वाले वर्ल्ड कप के लिए भारत की टीम की जर्सी के रिगार्डिंग, जहां पर अब बीसीसीआई के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि जल्दी ही आप लोगों को एक जर्सी लॉन्च इवेंट देखने को मिलने वाला है, जहां पर वर्ल्ड कप की जर्सी भारत की टीम की इस इवेंट में लॉन्च की जाएगी। क्योंकि करेंटली एडिडास हमें भारत की टीम का जो टाइटल स्पॉन्सर है वो देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में एडिडास के द्वारा वर्ल्ड कप के लिए इस बार दो अलग अलग जर्सीज का उपयोग किया जाने वाला है। दरअसल इन दोनों ही जर्सीज को एडिडास के द्वारा ही बनाया गया है, और ये दोनों ही जर्सीज भारत की टीम आपको आने वाले वर्ल्ड कप जो कि भारत में ही खेला जाएगा उसमें उपयोग करते हुए नजर आने वाली है। खैर जैसे ही ये जर्सी आने वाले कुछ दिनों में लॉन्च होती है, हम अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको इस जर्सी लॉन्च इवेंट का लिंक भी देंगे, और इसके साथ ही इस जर्सी की एचडी फोटोज भी आपको वहां पर मिल जाएंगी। तो अभी डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप फटाफट हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। फिलहाल गाइस हम चलते हैं हमारे आज के दिन की आखिरी अपडेट, और ये अपडेट निकल कर आ रही है भारतीय टीम के शेड्यूल के रिगार्डिंग, जहां पर भारत की टीम को इस साल वर्ल्ड कप और एशिया कप तो खेलना ही है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले भारत का पूरा शेड्यूल आउट हो चुका है। सबसे पहले भारत की टीम दो टेस्ट मुकाबले, तीन ओडीआई मुकाबले, पांच टी20 मुकाबले वेस्टइंडीज के खिलाफ जुलाई अगस्त में खेलेगी जो कि अवे सीरीज होने वाली है। इसके बाद आयरलैंड के खिलाफ अगस्त में आयरलैंड में जाकर ही भारत की टीम टी20 मुकाबले खेलेगी। इसके बाद एशिया कप 2023 जो कि सितंबर के महीने में होने वाला है, इसको भारत की टीम श्रीलंका और पाकिस्तान में खेलेगी। वैसे तो पाकिस्तान में भारत का कोई भी मैच नहीं है। इसके बाद तीन ओडीआई मुकाबले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सितंबर में भारत की टीम अपने घर पर खेलेगी। अफगानिस्तान के खिलाफ तीन ओडीआई मुकाबले सितंबर में भारत की टीम वापस से घर पर खेलेगी, और उसके बाद फाइनली वर्ल्ड कप आ जाएगा जो कि अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर के बीच में हमें भारत पे ही होस्ट होते हुए देखने को मिलने वाला है। तो गाइज ये वीडियो ही तक थी, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल को ज़रूर कीजिए सब्सक्राइब।